हाय फ्रेंड्स, ये एक सैमसंग फ्रेंच हुड वॉशिंग मशीन इन्वर्टर की पीसीबी है। ये मेरे पास रिपेयर होने के लिए आई है। ये डेड कंडीशन में है, मतलब ऑन नहीं हो रही है। तो चलिए इसको पावर देके चेक करते हैं। ये मैंने इसको पावर दे दिया, ये ऑन किया, ऑन नहीं हो रही है। ये इसका पावर बटन है, ऑन नहीं हो रही है। ऑप्शंस भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। ये इसका मेन पीसीबी है, ये डिस्प्ले पीसीबी है। इस पीसीबी में अगर प्रॉब्लम है तो इधर वोल्टेज नहीं बनेंगे। अगर इधर वोल्टेज बन गए तो इस डिस्प्ले पीसीबी में प्रॉब्लम रहेगा। तो सबसे पहले इस कनेक्टर को बाहर निकालते हैं, इधर वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये इसका न्यूट्रल है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई और ये 5 वोल्ट की सप्लाई, मतलब यहाँ तक सप्लाई इसको मिल रही है। मतलब इस पीसीबी में वोल्टेज बन रहे हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम इस पीसीबी में है, डिस्प्ले पीसीबी में। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये देख सकते हैं आप। इधर पूरा रस्ट पकड़ा है, पूरा जो है जंग पकड़ा हुआ है। इसको एक किसी ने छेड़छाड़ भी कर रखा है, इस जम्पर को कट कर रखा है। तो ये वाले पीसीबी में देख के अभी इस पीसीबी में प्रॉब्लम क्या है ट्रेस करके इस पीसीबी को सही करके लगा के चेक करेंगे। तो इसको अभी मैं सही करता हूँ। ये इसको मैंने सही कर लिया है, अभी इसको इधर कनेक्ट करके चेक करेंगे। इसको मैंने इधर कनेक्टर लगा लिया, ये देखिए फ्रेंड्स ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया। ऑप्शंस भी काम कर रहे हैं फ्रेंड्स।